हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस शुद्ध प्लस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारा शुद्ध प्लस है। यहाँ पर मैंने पूरा एक थैला खरीद के रखा है, बल्कि मैं बोरा बोरा खरीदता हूँ, ठीक ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पूरा मैं यही बताएंगे कि एक पैकेट खरीदने पर कितना पड़ता है रिटेल में और कितना होलसेल में पड़ता है, और पूरा एक थैला खरीदने पर कितना पड़ता है, और साथ में ये भी बताएंगे कि पूरा बोरा खरीदने पर कितना पड़ता है, कितना फायदा होता है। पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी देता हूं कि आपको शुद्ध प्लस से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस से संबंधित सभी वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। यदि आपका कोई किराना स्टोर है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताते हैं कि ये शुद्ध प्लस जो है कितने रुपए पैकेट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शुद्ध प्लस 152 रुपए में एक पैकेट आता है, और इसके साथ एक फ्री रहता है, इसका जर्दा एक फ्री रहता है, जो कि इसमें सुपारी होता है और इसमें जर्दा होता है, मतलब मिक्स होता है, इसमें कत्था वगैरह सब कुछ मिक्स होता है और ये जर्दा होता है। तो इसमें 60 पाउच होता है जो कि 152 रुपए में आता है, और जो बिकता है ये दोनों मिलाकर 3 रुपए में एक पाउच बिकता है, तैयारी होता है 180 रुपए। और बेनिफिट कितना होता है आपको, बेनिफिट हो जाता है बहुत ही आसानी से 28 यानी 28 रुपए फायदा होता है आपको, ठीक है ना। 28 रुपए एक पाउच बेचने पर, खुला में एक पाउच बेचने पर यदि आप एक एक पीस खोल करके बेचते हैं तो आपको 28 रुपए फायदा होगा। 152 रुपए में खरीद कर लाएंगे, 180 रुपए में एक एक पीस करके जब बेचेंगे, 60 पाउच बेचेंगे तो 28 रुपए फायदा होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक थैला पूरा कितने में मिलेगा। एक थैला का मतलब एक थैला ये और इसके साथ जर्दा दोनों फ्री में मिलता है, सॉरी ये जो है जर्दा फ्री मिलता है। तो कितने रुपए में ये दोनों थैला मिलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, एक थैला में होता है 26 यानी 26 पाउच होता है, 26 पाउच आपको मिल जाएगा 3870 रुपए में, ठीक है। 3870 रुपए में 26 पाउच मिलेगा, 3870 रुपए में 26 पाउच मिलेगा, तो एक पीस का आपका हो गया 149 रुपये में मिलेगा, और आपको बेचना है 152 रुपये में, होल सेल रेट में 152 रुपये में बेचना है। यदि आपका होल सेल का दुकान है तो आपको 149 रुपये में पड़ेगा अगर आप थैला खरीदते हैं। अगर आप इसी की जगह आप बोरा लेते हैं तो बोरे में इस तरह से 4 बंडल मिलेगा, ठीक ना। ये पूरा पॉलीथीन जो है 4 पॉलीथीन मिलेगा आपको, 4 बंडल मिलेगा, 26 × 4 बराबर 105 यानी 105 पाउच होता है एक बोरा में। अब आपको एक बोरा कितने में मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बोरा आपको मिलता है 15625 रुपये बोरा मिलता है, यानी एक बोरा जिसमें होगा 105 पीस यानी 26-26 करके 4 बंडल रहता है, तो आपको ये पड़ जाता है 148 रुपये कुछ पैसा पड़ता है, यानी 148 ही मान लीजिए। तो बोरा लेने पर आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपके पास कोई दुकान है, छोटा दुकान है, अगर बड़ा नहीं होलसेलर नहीं है आप, तो आपको ये कभी गलती नहीं करना है कि आपको बोरा नहीं लेना है। 2-4, 10-2 रुपये 1 रुपये ज़्यादा फायदा कमाने के लिए आपको बोरा नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स एक गुटखा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लाल हो जाता है, जो कि गारंटी नहीं होती, इसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि 2-4 पैकेट इस तरह से 2-4 पैकेट ले लीजिए और अपना काम चलाते रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बोरा खरीदने की, क्योंकि फ्रेंड्स बोरे के चक्कर में आप 15 से 16 हज़ार रुपये फंसाएंगे, और उसके साथ अगर कहीं माल ख़राब हो गया तो आपका सारा पूंजी डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2-4, 10 पैकेट ले लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए अगर आपका कम चलता है। अगर ज़्यादा चलता है तो आप थैला थैला मंगाइए, एक थैला दो थैला। अगर एक महीने में एक बोरा निकल जाता है या एक महीने में दो झाल निकलता है तब भी आप ले लीजिए, बोरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा कम बिकता है तब मत लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स दिक्कत हो जाएगा, बेचने में दिक्कत हो जाएगा, लाल हो जाएगा तो कोई कस्टमर लेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कितने कितने का मिलता है। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब एक पाउच का रेट पड़ता है होलसेल, अगर आप दुकानदार हैं आप खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा 149 रुपये लगभग पड़ेगा, ठीक, और बेचेंगे 152 रुपये में, और जो ले जा कर के उसे खुला में बेचेगा वो कमाएगा 180 रुपये यानी 28 रुपये बेनिफिट कमाएगा। अब देखिए, अब आपको एक इतना का मिलेगा, अगर झाल खरीदेंगे तो 3880 रुपये में एक झाल मिलेगा जिसमें रहेगा 26 यानी 26 पाउच रहेगा। उसके बाद इससे बड़ा अगर लेंगे तो एक बोरा मिलेगा, एक बोरे में आपको मिल जाएगा कितना मिलेगा,
चार झाल मिलेगा, चार झाल में एक झाल में 26 पाउच तो चार झाल में 105 पाउच, जो कि मिलेगा 15,625 रुपये में पूरा एक बोरा मिलेगा, जो कि पड़ेगा 148 रुपये कुछ पैसा पड़ेगा, जो कि जो है एक झाल लेने से कुछ सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो कुछ ज़रूर सस्ता पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।